आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइल हैंडलिंग के बारे में। हमने रस्ट ट्यूटोरियल में काफी आगे तक बात कर ली है, हमने काफी सारी चीजों के बारे में बात कर ली है, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह से हम रस्ट के अंदर फाइल्स के साथ काम कर सकते हैं, यानी किस तरह से हम फाइल्स को ओपन कर सकते हैं, फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, फाइल्स को रीड और राइट कर सकते हैं। काफी एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और ये एक एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट होने वाला है और काफी कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिलने वाला है। तो आज की वीडियो में हम सिंपल एक फाइल के साथ काम करेंगे, उस फाइल में कुछ कंटेंट को राइट करेंगे, फाइल के अंदर कुछ कंटेंट को रीड करेंगे और ये सब चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे रस्ट प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं कराया तो जल्दी जाकर हमारे रस्ट प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। इसी के साथ में अगर आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि जो अपडेट्स हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो के बिना किसी देरी के। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने रस्ट ट्यूटोरियल का जो प्रोजेक्ट वाला फोल्डर है उसको यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर लिया है, और सबसे पहले यहाँ पर मैं एक नई कार को पैकेज स्टार्ट करूंगा, उसके लिए मैं इस फाइल को ओपन इन टर्मिनल करूंगा हमारे प्रोजेक्ट को, और यहाँ पर मैं लिखूंगा कार्गो न्यू और फाइल के साथ काम करने वाले तो फाइल्स नाम का एक कार्गो पैकेज स्टार्ट कर देता हूँ, बाइनरी पैकेज, और सीडी करके मैं इस फाइल्स नाम के कार्गो पैकेज के अंदर आ जाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल्स नाम का पैकेज है, इसकी एसआरसी नाम की फाइल के अंदर मेन डॉट आरएस नाम की फाइल को यहाँ पर हमको ओपन करना है। तो जैसा आप देख सकते हैं मैंने इसका यहाँ पर ओपन भी कर लिया है, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं ये हमारी कमांड लाइन और ये इसको हमारे सब लाइन को यहाँ पर साइड बाय साइड ओपन कर लूंगा। तो जैसा मैं बता रहा था कि सबसे पहले हमको यहाँ पर इधर बात करनी है फाइल हैंडलिंग के बारे में। तो फाइल हैंडलिंग आप किस तरह से कर सकते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक मेन फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। जैसा आप देखिए मैंने यहाँ पर मेन फंक्शन को क्रिएट करा है और ये एक अनइम्प्लीमेंटेड मेन फंक्शन है। अब यहाँ पर आपको फाइल हैंडलिंग के लिए, जैसा हमने बाइनरी जब यूजर से इनपुट ले रहे थे तब हमने कुछ इंपोर्ट कराए थे मॉड्यूल्स को, क्रिएट्स को, तो फाइल हैंडलिंग के लिए भी हमको कुछ मॉड्यूल्स को यहाँ पर इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इंपोर्ट कराता हूँ फाइल मॉड्यूल का, जिसके अंदर आपको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर से फाइल सिस्टम और उसके बाद आपको यहाँ पर फाइल जो हमारा होता है उसको यहाँ पर यूज सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको ट्री लोड को सिलेक्ट करना, अभी आप देखिए मैं कैसा कर रहा हूँ, एसटीडी लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको इनपुट आउटपुट लिखना पड़ेगा और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा प्री लोड, यहाँ पर आपको स्टार लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ प्री लोड होता क्या है। प्री लोड एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पार्ट है जिसका यूज करके आप जो सेट्स ऑफ कॉमन फंक्शंस होते हैं, लाइब्रेरीज होती है, प्रोग्राम होते हैं, उसको साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हो, यानी जब आप किसी दो लाइब्रेरी के साथ काम कर रहे हो। जैसा आप देख सकते हैं हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के साथ काम करें, इसी के साथ में हम फाइल क्रिएट के साथ काम करते हैं, तो हो सकता है कि हमको कुछ एक्स्ट्रा चीजों को यूज करना पड़े, इसलिए मैंने प्री लोड को यहाँ पर यूज करा है। प्री लोड में कुछ नहीं आता, प्री लोड के अंदर आपके डेटा टाइप्स, इटरेटिव फंक्शन यानी मैप, फिल्टर और सम एनी इस टाइप के फंक्शन, इसके साथ में कन्वर्जन, जैसा हमने कन्वर्जन करा था फ्रॉम स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग करके कन्वर्जन करा था, इसी के साथ में मैक्रोस फंक्शन जो होते हैं यानी प्रिंट प्रिंट होता है, और भी काफी सारे मैक्रोस फंक्शन यहाँ पे रेस्ट के अंदर हमारे पास अवेलेबल, तो उनको साइमल्टेनियसली यूज करने के लिए हमारे यहाँ पर काम आते हैं। तो पुरानी फाइल्स के अंदर हमने इसको यूज नहीं करा, तो आज की वीडियो के अंदर हम इसको यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी, जैसे मैंने आपको बताया साइमल्टेनियसली आपको बहुत सारे क्रेट्स के ऊपर काम करना है, तो हो सकता है कि आपके कुछ एरर आए, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर अगर प्री लोड को यूज करोगे तो आपके बहुत ज्यादा सही रहेगा। तो जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे आपको प्री लोड को यहाँ पर यूज करना है, और सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि फाइल को किस तरह से ओपन करना है। तो फाइल को ओपन करने के लिए सिंपल आपको इस तरह से लिखना है, फाइल सिस्टम को इम्पोर्ट करना है, फाइल इनपुट आउटपुट को इम्पोर्ट करना है, और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर मेन फंक्शन लिखा था, यहाँ पर आपको कुछ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट भी लिखना पड़ेगा। आप देखिए इस तरह से यहाँ पर मैं लिखूंगा स्टैंडर्ड, क्या लिखूंगा इनपुट आउटपुट, और यहाँ पर मैं रिजल्ट लिखूंगा। मैंने एरर हैंडलिंग इसलिए आपको पहले बताया था क्योंकि क्या होता है कि रस्ट के अंदर एरर हैंडलिंग है, जैसे मैंने बताया अलग तरह से कुछ थोड़े कॉन्सेप्ट काम करते हैं, और फाइल सिस्टम के अंदर कुछ भी फाइल रीड ही नहीं होती, तो यहाँ पर आपकी एरर हैंडल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके अंदर एरर हैंडलिंग की मैं बात करूंगा किस तरह से होगी, तो आपको देखिए जैसे मैंने बताया था एरर हैंडलिंग में क्या होता है, आपको फंक्शन क्रिएट करना है, फिर फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है वो भी आपको किस
क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, एक रिजल्ट रिटर्न करेगा, या तो वो रिजल्ट ओके हो सकता है या फिर उस रिजल्ट के अंदर एरर हो सकती है। अब आप देखिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, लेट एम यू टी फाइल इज इक्वल्स टू फाइल सिस्टम के अंदर से फाइल को ओपन करूंगा, तो मैं लिखूंगा फाइल ओपन करो और यहाँ पर सिंपल फाइल का नाम होगा। तो लेट से मैं यहाँ पर अभी फाइल लिखता हूँ एग्जाम्पल डॉट txt, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क मार के और यहाँ पर बंद कर दूंगा और यहाँ पर क्या करूंगा फाइल हैंडलिंग के लिए ओके लिखकर और यहाँ पर रिजल्ट को प्रिंट कराऊंगा। आप देखिए रिजल्ट यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज यहाँ पर हमने कर ली और यहाँ पर एक सेमी कॉलन लगा देता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ कार्गो रन। तो जैसा आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एरर हैंडलिंग का कुछ कॉन्सेप्ट है। तो मैंने यहाँ पर दिखा था स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट रिजल्ट के अंदर क्या आउटपुट आएगा और यहाँ पर ओके और एरर का, ऐसे लास्ट वीडियो में हमने एरर हैंडलिंग की बात करी थी और मैंने बताया था रिजल्ट के दो टाइप होते हैं, एक एरर होता है और एक ओके, यानी अगर आपकी कुछ एरर आती है तो एरर प्रिंट होगा और अगर आपका सक्सेसफुल कंपाइलेशन कंप्लीट हो जाए तो आपका सिंपल आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो जैसा आप देख सकते हैं अभी हमारी यहाँ पर एरर आ रही है और एरर यहाँ पर किस चीज की आ रही है, एरर आ रही है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की कोड टू काइंड नॉट फाउंड मैसेज आया और मैसेज क्या है कि द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द स्पेसिफिक फाइल, यानी स्पेसिफिक फाइल यहाँ पर सिस्टम को फाइंड आउट नहीं है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, जैसा आप देखिए फाइल्स वाले फोल्डर के अंदर आकर जो रूट डायरेक्टरी है, यानी हमारी जो रूट डायरेक्टरी किसी फोल्डर के अंदर नहीं जाना, और रूट डायरेक्टरी के अंदर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल क्रिएट करूंगा जिसके अंदर मैं लिखा सब्सक्राइब टू मोहित कोर्स यूट्यूब चैनल फॉर मोर कोडिंग ट्यूटोरियल। अब देखिए मैं यहाँ पर वापस इधर आऊंगा, कंसोल को क्लियर करूंगा इस बार और मैं इस बार कार्गो रन देखी तो हमारा जो फाइल है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो चुकी है, लेकिन हमारी कुछ वार्निंग आ रही है। अब वार्निंग हमारी क्यों आ रही है, वार्निंग हमारी इसलिए आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पर फाइल तो क्रिएट कर ली है, हमने देखिए यहाँ पर फाइल क्रिएट कर ली है लेकिन फाइल को कभी यूज नहीं करा है। तो अभी मैं यूज करूंगा फाइल का रीड सिस्टम, रीड यूज करूंगा। अभी आप देखिए मैं यहाँ पर लिखूंगा लेट एमयूटी कंटेंट इज इक्वल्स टू एक एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट करूंगा, इसमें लिखूंगा स्ट्रिंग न्यू। देखिए अपने मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट करी है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा फाइल जो हमने फाइल क्रिएट करी थी ये वाली फाइल डॉट रीड, लिखूंगा फाइल डॉट रीड टू स्ट्रिंग, रीड टू स्ट्रिंग लिखूंगा मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लिखूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा एंड एमयूटी मैंने एक वेरिएबल लिखा था और यहाँ पर मैं जो हमने कंटेंट्स नाम का वेरिएबल क्रिएट करा था उसको एज अ रेफरेंस यहाँ पर पास कर दूंगा और एरर हैंडलिंग में मैं यहाँ पर देख लूंगा। देखिए एरर हैंडलिंग यहाँ पर हमारी आ गई है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट प्रिंट लाइन और प्रिंट लाइन के अंदर मैं सिंपल यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा। किसको प्रिंट करूंगा, स्ट्रिंग कंटेंट्स यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ, कंटेंट्स को मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। और लेट्स से अब मैं यहाँ पर कंसोल क्लियर करके कार्गो रन यूज करूंगा तो आप देखिए सिंपल हमारा सब्सक्राइब टू मोहित कोर्स यूट्यूब चैनल फॉर मोर कोडिंग ट्यूटोरियल्स। तो सिंपल हमने फाइल को रीड करना सीख लिया है रस्ट का यूज करके। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल दो वेरिएबल क्रिएट करने, एक फाइल नाम का वेरिएबल जिसके अंदर हम फाइल को स्टोर कराएंगे, कंटेंट नाम का वेरिएबल कंटेंट को स्टोर कराएंगे और कंटेंट क्या होगा एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगी और उसके बाद फाइल को रीड करा देंगे रीड टू स्ट्रिंग म्यूटेबल कंटेंट और यहाँ पर लास्ट में हम कंटेंट को यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। अब यहाँ तक हमने बात कर ली है कि फाइल को आपको रीड कैसे करना है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपको फाइल को क्रिएट कैसे करना है। मैं सब चीजों को कमेंट करके और यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं वापस एक लेट एमयूटी फाइल नाम को वेरिएबल क्रिएट करूंगा और इस बार मैं क्योंकि हमको फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा, यानी फाइल के अंदर कुछ कंटेंट को राइट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा फाइल डॉट क्रिएट और क्रिएट किस नाम से फाइल कर दूंगा, लेट से कि मैं टेस्ट डॉट टीएक्सटी नाम की एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा के इस तरह से एरर हैंडलिंग सॉल्व कर दूंगा और यहाँ पर लिखूंगा फाइल डॉट राइट अंडरस्कोर ऑल और यहाँ पर मैं क्या राइट करूंगा हेलो वर्ल्ड यहाँ पर राइट कर दूंगा और यहाँ पर एरर हैंडलिंग का जो होता है ओके उसको यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा। आप देखिए मैंने यहाँ पर ओके को भी प्रिंट कर दिया। लेट से अब मैं यहाँ पर यूज करता हूँ कार्गो रन और जैसे कार्गो रन करूंगा तो क्या लिखा हुआ रहा है, एक्सपेक्टेड फाउंड स्ट्रिंग। तो मेरे को इसको बाइट फॉर्मेट
भेजना पड़ेगा, तो मैं इधर बी लिख दूंगा, क्योंकि जो हेलो वर्ल्ड है वो हमने अभी स्ट्रिंग फॉर्म में भेजा, और फाइल के अंदर कंटेंट को आपको बाइंड फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर लिखूंगा, और यहाँ पर क्या आ रही है, एरर टपल। ओके, टपल वाली हमारी एरर आ रही है, तो ओके को मैंने गलत लिख दिया, कैपिटल ओके लिखना पड़ेगा। और कार को रन करूंगा, और अब देखिए मैं इधर फाइल मैनेजर में जाके txt.txt नाम फाइल बताऊंगा, तो इसके अंदर हमारा सक्सेसफुल हेलो वर्ल्ड यहाँ पर हमारा आ चुका। तो इस तरह से किसी भी फाइल को आप क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर कंटेंट को राइट कर सकते हैं। अब ये तो बात होगी हमारे कंटेंट को राइट करने की और फाइल को रीड करने की, लेकिन हमारे पास क्या होता है कि कभी भी हम फाइल को क्रिएट करते हैं तो हमेशा हमको फाइल को या तो रीड या फिर राइट नहीं करना पड़ता। हमको क्या होता है कि पुरानी किसी फाइल को ओपन करना है, और उस किसी पुरानी फाइल के अंदर हमको क्या करना है, और कंटेंट को ऐड करना है, अपेंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल हमारा सेम चीज काम करेगी। अब आप देखिए, मैं यहाँ पर एक और यूज करूंगा, यूज stdio, और यहाँ पर मैं फाइल सिस्टम के अंदर से ओपन ऑप्शंस जो होते हैं, ये हमारा ओपन ऑप्शंस एक है पैकेज है, आप उसको पैकेज समझ सकते हो, और इस पैकेज को इंपोर्ट करूंगा, और इस पूरे को अभी के लिए मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। देखिए मैंने इसको पूरे को कमेंट आउट कर दिया, और लेट्स है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक नई फाइल को क्रिएट करूंगा, लेकिन हमारी जो पुरानी फाइल है उसके अंदर कुछ कंटेंट को अपेंड कर दूंगा। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, लेट MUT फाइल इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा ओपन ऑप्शन के अंदर न्यू, यहाँ पर लिखूंगा न्यू, और फिर लिखूंगा डॉट राइट, राइट के अंदर प्रूफ का पास करूंगा, नेक्स्ट लिखूंगा अपेंड, अपेंड मैं लिखूंगा अपेंड, और अपेंड के अंदर प्रूफ का पास करूंगा, और फिर यहाँ पर फाइल को ओपन करूंगा, फिर लिखूंगा मैं डॉट, और लेट से मैं कौन सी फाइल को ओपन करूंगा, मैं लेट से टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल को ओपन करूंगा। तो मैं लिखता हूँ लेट से टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी नाम की हमारी जो फाइल है उसको यहाँ पर ओपन करूंगा, और क्वेश्चन मार्क लगाकर आपको सिंपल सेमी कॉलन का यहाँ पर एक एड करना है। मैं लिखूंगा फाइल डॉट राइट ऑल, जो सिंपल मैंने पहले लिखा था वैसा का वैसा लिख दूंगा, फाइल डॉट राइट ऑल, राइट ऑल के अंदर बाइट फॉर्मेट के अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा क्वेश्चन मार्क सेमी कॉलन, और यहाँ पर मैं लिखूंगा दिस इज अपेंडेड, इसने मैंने यहाँ पर अपेंड करा, और सिंपल एरर हैंडलिंग के लिए ओके, और डबल टपल्स पे आपको पास करना पड़ेगा। अब आप देखिए, मैं लिखूंगा कार्गो रन, और कार्गो रन लिखूंगा तो सिंपल हमारा कंपाइल और ये सब हो जाएगा। और ये अभी आप देखिए, मैं इधर फाइल के अंदर आता हूँ, और इसके अंदर से आप देखिए टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी नाम के हमारी फाइल के अंदर कुछ भी नहीं था, पहले सिर्फ हेलो वर्ल्ड था, और यहाँ पर मैं लिखा दिस इज अपेंडेड, और यहाँ पर मैं वापस लिखूंगा दिस इज अपेंडेड अगेन, तो मैंने लिखा दिस इज अपेंडेड अगेन, और एक न्यू लाइन भी यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। अब आप देखिए कार्गो रन लिखूंगा, सक्सेसफुल कंपाइल हो गया, और अब मैं अगर इसको चेक करूँ भी, आप देखिए मैंने इसको वापस ओपन करना पड़ेगा, और अब देखिए मैं इसको चेक करूँ तो देखिए दिस इज अपेंडेड अगेन, एक न्यू लाइन में यहाँ पर मेरे को देखने को मिल गया। तो इस तरह से हमारी फाइल हैंडलिंग काम करती है रस्ट के अंदर, और रस्ट के अंदर काफी अलग अलग तरह से आप चीजों को यूज कर सकते हो। जैसे कि हमने क्या करा है, हमने सिंपल यहाँ पर लिखा है, आप क्या कर सकते हो, एक एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट करके यूजर से कंसोल पे इनपुट लेकर फिर फाइल के अंदर कुछ रीड कर सकते हो। और भी काफी सारे यहाँ पर फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको आप डॉक्यूमेंटेशन में जाकर रेफरेंस ले सकते हो। ये हमने बेसिक सारी चीजों के बारे में बात कर ली है, फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड जो भी हमारी फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड चीजें होती है, और वीडियो में बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट सब अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। वीडियो एड करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी जाकर हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, या हमारे रस्ट प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट है जिसको आप यहाँ पे जाकर एक्सेस कर सकते हो, यहाँ पे जाकर आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, और भी काफी सारा कंटेंट आपको रस्ट प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट में देखने को मिलने वाला है, और काफी सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको रस प्रोग्रामिंग की नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।